प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करोगे, बाबा करेगा। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया, फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम का समय, सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बात तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी, पांच बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में शिव कथा कहती है, नंदी का एक पांव जो ऊपर होता है, आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है, शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगे। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग काम, पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष, कौन से बार की, बृहस्पतिवार गुरुवार की प्रदोष। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, चार प्रदोष, पांच प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष, प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो,
कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे एक समीपत्र, यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते, चार या पांच प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष। शिवरात्रि, सोमवार, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2-3-4-5 पड़ी जाती है, सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आते हैं। सोमवार प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद, ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। शिव की कृपा कितनी है, जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक शमी पत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है, प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त ऋषि के, प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर
सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी किस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे 6:30 बजे 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा है, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए, फलहार करो उसमें भी नमक का सेवन मत करो, प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो, ना ना हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का, तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है, संभेश्वर महादेव का नाम, सात कनेर के पुष्प, कितने सात कनेर मालूम है, ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में भी पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है, कनेर के सात फूल, एक बेलपत्र, जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो सात कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, दो तीन प्रदोष कर देखना, अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देव अधिदेव महादेव के पास सात कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे, वही बेलपत्री
पांच बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री तीन प्रदोष, चार प्रदोष, पांच प्रदोष, दो प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष प्रदोष चढ़ाना, और चढ़ाओ शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ, आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रम्भेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, सात पुष्प कोई से भी, सात बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए, बाबा उस बच्चे की धड़कन श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रम्भेश्वर महादेव में, श्रम्भेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है, 33 कोटि देवता श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की, श्रम्भेश्वर भगवान का स्मरण किया है, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। जब भगवान देवदिदेव महादेव आनंद में विराजमान थे, देवताओं राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवदिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिवजी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहन करना पड़े, और सहने की आदत होना भी चाहिए। सहने की आदत होना भी चाहिए सब। जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट लाइट बिजली है, प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा, बिजली घर तो एक दो कहीं कहीं, बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई कोई सा घर होता है, उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवदिदेव महादेव के भक्त नहीं मिल जाते, बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई एक दो ऐसे होते हैं
कोई एक आध दो ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को मन लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई। ना, जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले जा रहा है, ये उसकी कृपा है। अंत बिंदु मेरा शिव है। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु कृपा कर। भगवान शिव विष पीकर नीलकंठ धारी बन जाते हैं। अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाए, महादेव। थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है पर थोड़ा समय लगाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने इतने एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाइल लगाई, 7 डॉक्टरों की फाइल लगाई है। और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी, सुख नहीं। फिर भी शिव ने 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 4 साल नहीं 5 साल बाद दिया। देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हो गया। क्या नहीं देता? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर, ओगड़दानी का चरित्र, बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्री शैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। जब अपने नजदीक में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो 6ठे दिन 7वें दिन 1 दिन जाकर बाबा की उस धरा को प्रणाम जरूर करा। प्रयास मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा है। 3रा महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर भगवान शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्रंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी भूषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान। भगवान देवदिदेव महादेव उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव
बारह ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहां पर शंकर ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान, हमेशा विराजमान। एक ज्योति के रूप में मेरा देव दिद्य महादेव वहां पर विराजमान, और वो ही ज्योति। हम तो कई लोग कहते हैं कि आपके ये कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर में ऐसा क्या है, कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है,